गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4D करेंगे। 4C में बेटा हमने HCF निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और 4D एक्सरसाइज है, इसमें हम LCM मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल के क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है बेटा? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। मीन्स कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, यदि आपके पास टू या टू से ज्यादा नंबर है तो उनका जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, वो ही उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस को इसमें बेटा लीस्ट, जैसे हमने HCF निकाला था वो भी टू मेथड से हमने किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिविजन मेथड। और LCM को सोल्व करने के लिए भी बेटा हमारे पास टू ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखो बेटा, इसके एग्जांपल देखो आप, फाइंड द LCM ऑफ 504 एंड 594 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है, पहले तो बेटा आपको इसको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइज। ठीक है, क्या करना है आपको, कोई भी प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करना है, जो क्वोशेंट आता है उसको यहां पे लिखना है। ये ऐसे क्वेश्चन हम HCF में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन HCF में हमने क्या किया था कि इसको फैक्टराइज करने के बाद जो इनका कॉमन फैक्टर था सिर्फ वही लिखा था, बाकी हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, लेकिन LCM में क्या करना है, पहले आप जो इनमें कॉमन है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बच गए उनको भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे 504 को आपने फैक्टराइज किया तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 आया। 594 को बेटा फैक्टराइज किया तो 2 × 3 × 3 × 3 × 11 आया। तो इनका LCM क्या होगा बेटा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, आपने लिख दिया, इसमें 2 नहीं है, हमें वो भी लिखना है जो इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, उसको लिख दिया। उसके बाद 3 इसमें है बेटा, 3 इसमें भी है, उसको लिख दिया। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, लिख दिया। लेकिन यहां 3 है, इसमें 3 नहीं है, आपको उसको लिखना है। ठीक है, यहां 7 है, इसमें नहीं है, तो आपको लिखना है। इसमें सभी फैक्टर लिखे जाएंगे, कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, सभी को मल्टीप्लाई करना है बेटा। ठीक है, उसमें तो आपको सिर्फ वो लिखना था जो उसमें कॉमन था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें आपको फैक्टर निकालना था। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है। ठीक है, तो जो भी नंबर है बेटा इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। उसके अंदर आपने जो सिर्फ कॉमन फैक्टर थे आपने वो लिखे थे, इसमें पहले आप जो कॉमन है वो लिखोगे, बाकी उसमें जो कॉमन नहीं है वो भी लिखोगे। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर। उसके बाद सेकेंड है, फाइंड द LCM ऑफ 20, 30 and 50 बाय डिविजन मेथड। इसमें क्या करना है बेटा, आप इन सभी नंबर्स को एक साथ लिख लोगे। ठीक है, लेकिन जिस प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहा है कॉमन, आप उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें ये 2 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 2, 10 मतलब इनका जो क्वोशेंट आता है आपको वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 30 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट 15 आएगा, तो 15 लिख दिया। 50 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट 25 आएगा, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये नंबर क्या है कि या तो जो कॉमन आ रहा है उससे करो, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो, मैंने क्वेश्चन किए हैं उनको करके दिखाऊंगी फिर आपको। ठीक है, बाकी इसमें तो एग्जांपल्स में तो सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ उससे डिवाइड करा है, बाकी लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है बेटा, आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। उसके बाद आप इन सभी जो भी यहाँ पे जो नंबर आए हैं इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 5 × 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा बेटा। इसका एलसीएम कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो एग्जांपल है ये भी सिंपल वैसे ही है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको कर रखा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टीज हैं HCF की और LCM की बेटा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द HCF ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। हमने ये पढ़ा था, क्वेश्चन भी किए थे हमने कि किन्हीं भी नंबर्स का आप यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो वो उन नंबर्स से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कि द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा,
टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा यदि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ है वो बेटा हमेशा क्या आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। एलसीएम जो है ना वो किन्हीं भी नंबर्स का आप निकालते हो तो एलसीएम उन नंबर्स से कभी भी छोटा नहीं आएगा, ठीक है। एलसीएम कभी भी नंबर्स से छोटा नहीं आएगा और एचसीएफ जो है ना बेटा वो उन नंबर्स से कभी भी बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करके दिखा रखा है बेटा, इसमें एलसीएम आया हमारे पास 20,475, तो जो आपके पास नंबर है इनमें किसी से भी ये छोटा नहीं है। उसके बाद है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। टू प्राइम को प्राइम नंबर्स का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो वो उनका क्या आएगा बेटा, उनका प्रोडक्ट ही आएगा। एचसीएफ को प्राइम नंबर का क्या होता है बेटा, वन होता है, लेकिन एलसीएम को प्राइम नंबर्स का क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। आपको कोई भी दो नंबर दिए हुए हैं यदि आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। किन्हीं भी दो नंबर्स का को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद एक्सरसाइज 4D दे रखी है आपको, इसके अंदर देखो क्वेश्चन निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसमें बेटा आपको मेथड नहीं बता रखा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। इसमें आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, लेकिन यदि आपको दिया होता फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करते, और यदि आपको दिया वो होता कि फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड तो आप इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करते, ठीक है। तो फर्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ 60 and 75, तो इसको बेटा मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया है, ठीक है। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, 60 को पहले आपने फैक्टराइज कर दिया, 75 को कर दिया, ठीक है। तो 60 को किया तो आपने 2 × 2 × 3 × 5, 75 को किया तो बेटा 3 × 5 × 5। एलसीएम एचसीएफ हम निकालते थे तो सिर्फ कॉमन फैक्टर जो होता था बेटा उसको लिखते, उनको मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन एलसीएम के अंदर कॉमन को भी करना है और जो इनमें कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। बेटा इसमें कॉमन क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 है, वो भी मैंने लिख दिया। बाकी इसमें 2 है, इसमें नहीं है, वो लिख दिया। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, वो भी लिखा। फिर इसके बाद यहां 5 था उसको कर दिया। इन सभी को आपने मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ गया बेटा, 300 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको 36, 60 और 72 का निकालना है, ठीक है। 36 को फैक्टराइज किया, 60 को किया और 72 को किया। 36 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 2 × 2 × 3 × 5। 60 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 2 × 2 × 3 × 5। और 72 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। यहां आपको ध्यान रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, यहां जब आप कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे तो यहां प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। यू नहीं कि आप कुछ भी लिखा और किसी से भी डिवाइड कर दिया, नहीं, आपके पास प्राइम नंबर ही होना चाहिए, आप उसी से ही डिवाइड करोगे बेटा, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकाला, पहले इन तीनों में जो कॉमन है हमने वो लिख दिया, बाकी बाद में जो इनमें बच गया उस नंबर को भी लिख के आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें तीनों में 2 है लिख दिया, इन में भी 2 है लिख दिया कॉमन, ठीक है। उसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। बेटा दो नंबर में भी कॉमन है तो उसमें दो में से एक बार ही लिखोगे आप, बार बार उसको रिपीट नहीं करोगे। दो में कॉमन है तो दो में कॉमन लिखो, 3 में है तो 3 में कॉमन लिखो, और यदि फिर अलग है तो आप उसको अलग से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन सी पार्ट है बेटा, इसको मैंने डिवीजन मेथड से सोल्व किया है, तो वही है, इनको आप एक साथ लिखोगे,
जिस कॉमन नंबर से प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं, आप प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे इधर, आप ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहले ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कर दिया, जो क्वेश्चन था वो लिख दिया, फिर यहां फिर 2 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, कर दिया, फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद इस स्टेप में आप देखिए 9 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। तो जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको आप छोड़ देंगे, जो डिवाइड हो रहा है सिर्फ उसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको आप छोड़ देंगे, एज इट इज लिखेंगे आप। 2 3 6, 2 4 8, 9 2 की टेबल में आता नहीं है, 2 6 12। उसके बाद 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, 3 और 9 2 की टेबल में नहीं आते हैं, तो इनको आप छोड़ देंगे, ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे, यूं की यूं लिखेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहा है सिर्फ आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, 2 3 6, उसके बाद सिर्फ 2 डिवाइड हो रहा है बेटा, आपने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3 9 और 3, ये 3 तीनों जो नंबर हैं ये 3 की टेबल में आते हैं बेटा, तो आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 1 3 आएगा बेटा, ये 3 1 3 1 3 3 9 और 1, ये 3 3 की टेबल में आता बेटा, यहां सारे मैंने 1 बना दिए हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, इधर जो आपने इसको प्राइम नंबर से जिनसे भी आपने यहां डिवाइड किया था ना, उन सभी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 576 आएगा, ठीक है। डी पार्ट भी बेटा इसका सेम इसी मेथड से, ये आपकी मर्जी है, आप इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करना चाहे तो आप डिवीजन से कर सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है।